रामपुर में सीए और एनआरसी नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ उग्र आंदोलन करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 28 लोगों पर करीब 20 लाख का जुर्माने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी संपत्ति फूकने और पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू, और जिन लोगों को वहाँ मौके से अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है 21 दिसंबर को, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है। तो इसके आधार पर जो उसके प्राधिकारी हैं एडीएम फाइनेंस, उन्होंने नोटिस इन सारे लोगों को भेजा है जिन 28 लोगों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा भेजा गया है। और जो रकम भेजी गई है कि इतने का नुकसान हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी की गई है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उनका कार्रवाई की जाएगी ताकि उनसे वो उसकी रिकवरी कराई जा सके। सर आगे और भी लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे, टोटल इतने ही हैं? नहीं, उसमें आगे जैसे भी जैसे जैसे पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल 28 लोगों को चिन्हित करके भेजा गया है, उन 28 लोगों से रिकवरी के लिए के नोटिस जा चुके हैं। इसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं। ये जो 28 लोग हैं किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? उनमें से अभी तक हमने जिनको चिन्हित किया है सिर्फ 28 लोगों की बात नहीं, अभी नए नाम भी आ रहे हैं जिन लोगों की वीडियो में पहचान हुई, क्योंकि वीडियो अभी भी देखे जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स देखे जा रहे हैं, फुटेज देखे जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के। उनमें से बहुत सारे लोगों का लिंकेज आया है, राजनीतिक लिंकेज आया है और एक ही तरीके का लिंकेज आया है। उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर जल्द ही कार्रवाई।